राम राम सही भाइयों ने मैं आपका दोस्त राजीव का स्वागत है चैनल में। दोस्तों मैं खड़ा सुलारपुर खादर गांव में, और सुलारपुर खादर गांव में जिस पर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये जगह चांद मस्जिद के नाम से बहुत मशहूर है। और जो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक इस प्रकार है हमारा कि जो यहाँ की सड़कें हैं, जो यहाँ की गलियाँ हैं जिनको बोलते हैं, जो गली की सड़कें हैं वो बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई है। ये अब से नहीं, कम से कम समझते 3-4 साल के लिए टूटी हुई है, लेकिन उसको बनाने का कोई विचार नहीं किसी का भी। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो घर मलबा मंगा मंगा के, पैसे ट्रैक्टर ट्रोली से मंगा मंगा के अपनी गली को बराबर करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये गली कहाँ से कहाँ टूटी, क्योंकि ये मेन रास्ता है, ये मेन रास्ता है मस्जिद वाली गली के नाम से मशहूर है। और ये मेन रास्ता है, यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ कि पूरी गली किस तरह टूटी हुई है। आप देख सकते हो कि पूरी गली यहाँ से वहाँ तक पूरी टूटी है, मस्जिद से लेकर और आगे तक पूरी गली टूटी है। जब भी यहाँ बरसात होती है, बरसात के पानी में यहाँ पे घुटने घुटने तक पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से यहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पे जो सरकार, इतनी अच्छी सरकार होने के बावजूद में यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो यहाँ पे जो देखते हैं सड़क का निर्माण करते हैं, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे कि जो गांव-गांव में सड़कें टूटी हुई हैं उनके बारे में सोचा जा रहा है। आप देखिए ये नालियाँ किस तरीके से, इतना मतलब जब बरसात होती है इस तरीके से यहाँ पे पानी भर जाता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग बाग बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है जब बरसात होती है। पूरी गली यहाँ से तक पूरी टूटी हुई है। इस गली का नाम मस्जिद वाली गली से नाम, बहुत प्रसिद्ध मशहूर गली है ये। और यहाँ पे स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं इस गली को लेकर, इस चीज़ को समस्या को लेकर कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ये गली कम से कम 3-4 साल से टूटी हुई है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर सरकार इतनी अच्छी है, इतनी सरकार होने के बावजूद में भी ये गली टूटी हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है जो अधिकारी होते हैं, जो गांव ग्रामीण में जाकर देखते हैं, जो सड़क योजना के वो होते हैं अंतर्गत में आते हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो गाँव की गली है उनमें देखना चाहिए जाके कि होना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अगर यही चुनाव का माहौल होता तो ये सड़कें बन चुकी होती, लेकिन इस चीज़ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर रोड पे मलबा गिर के स्थानीय लोगों ने यहाँ पे इसको बराबर किया हुआ है, और इस गली को कम से कम 4 साल से पड़ी हुई है। स्थानीय लोग बहुत परेशान होते हैं, ये पूरी की पूरी गली वहाँ से वहाँ तक का पूरी टूटी हुई है। इसको मस्जिद वाली गली के नाम से मशहूर है ये, चांद मस्जिद है, जो कि यहाँ पे सुलारपुर खादर में स्थित है। और यहाँ पे इतनी समस्या का सामना होता है, अभी कल परसों बारिश हुई थी यहाँ पे, स्थानीय लोग बता रहे कि यहाँ पे बहुत सारा पानी भर गया था। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि इस वीडियो को थोड़ा आगे जितना हो सके बढ़ाइएगा, ताकि जो इस गली का जल्द से जल्द निर्माण होना चाहिए, जो गली जल्द से ठीक होनी चाहिए, और जो भी स्थानीय लोग जो दिक्कत का सामना कर रहे हैं उनकी खत्म होनी चाहिए। क्योंकि इससे हम लोगों को सबको दिक्कत होती है, बीमारियाँ पैदा होती है, अगर पानी भरेगा तो बीमारियाँ पैदा होती है। जैसे बरसात का मौसम चल रहा है आप लोग जानते ही हो, इससे बहुत प्रॉब्लम का सामना हो रहा है, मच्छर पैदा होंगे, बीमारियाँ होंगी, लोग बीमार पड़ेंगे, लेकिन इस बारे में सोचना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द इस चीज़ का काम स्टार्ट हो जाए और ये गली हमारी जो है पूरी बनकर तैयार हो जाए। अगर आप मेरी बात से सहमत है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप मेरे बात से कितने सहमत है, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।